अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, खैर खैर से हो? ठीक ठाक, अमन अमान, अल्लाह का फजल है। आज हम लोग आए घूमने फिरने के लिए। सेब और चेरी के हवाले से पाकिस्तान भर में मशहूर है। पता नहीं आवाज़ सुनाई देंगे आपको या नहीं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। तस्वीर खिंचाने में मसरूफ मैसम अब्बास, जाकिर हुसैन। मांगी ना ये खुदम डेम नाम से खबर न दे। बाकी दोस्त कपड़े सुखा रहे। आज साजिद हुसैन को देखे, बहुत तेज़ बारिश फिर से शुरू हुए, तो फौरी गाड़ी में बैठते। दो दोस्तों प्रोग्राम उड़ गया बारिश की वजह से। जो नहीं है उन लोगों का जगह खाली है। जिंदगी में जो है अपने लाइफ को एंजॉय करो। जो भी इंसान जो है अपने जिस्म अपने जिंदगी को एंजॉय करते हैं, वो लोग जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इधर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, इखलाक में भी माशाल्लाह। और चेरी बहुत महंगा देते हैं। अभी आप लोगों को जो है अपने चाचा के साथ विजिट करवाते हैं। मगर बलूचिस्तान के अंदर हम लोगों को इतना मजा इस्तीफा दिए वाला कभी भी नहीं दिया हम लोगों। आज पहली बार टूरिस्ट इनको थोड़ा मसला हुआ तो इसकी वजह से जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया। हम लोगों को मालूम है थोड़ा हमारा उर्दू कमजोर है, परवाह नहीं है। तारीख तो हमारा पता इंशाल्लाह शाद और खुशहाल रहे। ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत और खुश खुशहाल होंगे अपने फैमिली और बाल बच्चों के साथ। तो आज का हमारा दूसरा पार्ट जो क्वेटा टू सिंजावी का था वो बना रहे, और ये व्लॉग माशाल्लाह बहुत ही पुरलुत्फ और मज़ा से भरपूर व्लॉग है जो हम अपने यार दोस्त के साथ जा रहे हैं। चकोर संगी से अभी जाएंगे सिंजावी की तरफ, और रास्ते में एक बड़ा सा डैम भी है, वो मंज़र भी आपको दिखाएंगे। और रास्ते में जो गप्पे या मजाक चल रहे अपने दोस्तों के साथ वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपने जिस तरह हमें पिछले वीडियो पे प्यार दिया है और मोहब्बत का इजहार किया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और जो भाई चैनल या ख्वातीन हज़रत चैनल पे जो नए आए हुए, उनसे गुजारिश है ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स और ज़रूर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। तो हमेशा कमेंट्स में लिख लिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में ये भी आप लिख सकते हैं कि क्वेटा के किस हिस्से से मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, आपके खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल पे पेश कर सकता हूँ। तो हमारे साथ रहिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएंगे। ये पार्ट टू है क्वेटा से सिंजावी तक। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का। तो दोस्तों प्रोग्राम उड़ गया बारिश की वजह से, जैसा कि आप देख रहे कैसे घने बादल काले गटा आए हुए, इसकी वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं सिंजावी की तरफ। तो अल्लाह करे कि वहाँ पर भी कोहरा बादल ना हो या बारिश ना हो। तो अभी सारे दोस्त जा रहे हैं भूखे, क्योंकि दोपहर के खाने का बंदोबस्त तो करना था हमें, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की वजह से जितने फैमिली आए हुए थे सब के सब फौरी चले गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुए थे। जैसे वो लोग चले गए फिर बारिश भी थम गए।
پیش پایت بچه ها جید خان منو سلاخ واز باشه این اینچی بارش کے بعد آپ درختوں کو دیکھ سکتے کتنے تر و تازہ اور نئے بہار کی جیسے آئے ہوئے تو دوستو دیکھیں ارر فارسی میں ارر کہتے اس درخت کو اور اردو میں ملخال میں چنار کہتے اسے کیا خوبصورت ویوز اور منظر را خراب است دیاز خاطری را سیزلین والا روڑا باشد عجب سنگری و عجب منظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں بادل کو اور خوبصورت ویوز زیارت سنجاوی روڈ جس پر ابھی تقریباً صرف ہماری گاڑی جا رہے ہیں نہ آگے سے کوئی آ رہے نہ کوئی بیک سائڈ سے آ رہے بس صرف ہم ہی لوگ جا رہے آگے کی طرف تو آپ کو یہ ویوز بھی پسند آئے ہوں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ درختے سیب اور چیری کے درختے ماشاءاللہ زیارت اور اس کے گرد نواح سیب اور چیری کے حوالے سے پاکستان بھر میں مشہور ہے ان کے سیب اور چیری پورے پاکستان میں یہاں سے جاتے ہیں ماشاءاللہ زیارت سنجاوی سڑک یہاں سے کارپیٹڈ روڈ شروع ہو چکے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بہترین سڑک سامنے سے ٹرک بھی آ رہے تو خوبصورت جنیپر کے درخت جنگلات اور چیری اور سیب کے درخت باغات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو ہر قسم کے نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے پہاڑوں کے نیچے معدنیات اور مختلف قسم کے وسائل سے مالا مال ہے بلوچستان بہترین ویوز بہترین منظر واہ واہ ذاکر ننگے پیروں کے ساتھ ڈیم کے بالکل سامنے اور ہوا بھی بہت ہی تیز بہت ہی تیز پتا نہیں آواز سنائی دیں گے آپ کو یا نہیں لیکن ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہاں پہ یہ ڈیم کا منظر اور بہت ہی پانی زیادہ یہاں پر جمع ہوا ہے ڈیم کے رقبہ آپ سامنے سے گاڑی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں تک دیکھیں تصویر کھنچانے میں مصروف میسم عباس ذاکر حسین مساک ریس پانی میں مصروف سارے کھلے سارے ابھی سوکھ جائیں گے فوری بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ہوا زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو آواز سنائی دے رہی یا نہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں ڈیم کی طرف قدم زنے تو جا رہے ڈیم پہلے جب بارش وغیرہ دیتے تو شاید میرے خیال میں یہاں تک جہاں پہ آپ لوگوں کو کچرا نظر آ رہی یہاں تک پانی بھرے ہوں گے
खबर नजर दिया। दोस्तों देख ले माशाल्लाह क्या खूबसूरत और प्यारा मंजर, फोटो सेशन, बाकी दोस्त कपड़े सुखा रहे। साजिद हुसैन को देखे, बहुत तेज बारिश फिर से शुरू हुए, तो फौरी गाड़ी में बैठते और यहाँ से रवाना होते, तो इस खूबसूरत मंजर को अलविदा कहते हुए जा रहे यहाँ से। तो आप भी देख लिया अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, खैर खैरियत से हो, ठीक ठाक, अमन अमान, अल्लाह का फजल है। आज हम लोग आए घूमने फिरने के लिए, हम लोग आए हुए ठंडा ज्यारत, ठंडा ज्यारत से आया हुए, फिर चकोर तंगी बोलता है इधर को, चकोर तंगी आए हुए। बस अभी हम लोग चकोर तंगी से रवाना हुए, दो घंटा हुआ है कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं जरंग की तरफ, सिंजावी की तरफ। बस अभी हम लोग जा रहे हैं सिंजावी की तरफ। आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ विजिट करवाते हैं। पहला जो है हम लोगों का यार दोस्त है इब्राहिम जान, कैसे हो भाई जान? शुक्र है अल्लाह का करम है, आप कैसे हो, ठीक ठाक हो? अल्लाह का फजल है इब्राहिम जान। आज जो है ये तफरी जो हम लोग आया हुआ था, आपको जो है कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मज़े दे दिया। जो नहीं है उन लोगों का जगह खाली है माशाल्लाह। कभी कभी ऐसे ऐसे दोस्त मिलते जो चक्कर लगाते, हर जो ख्वाहिशमंद हजरात है उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई ज़िंदगी पे जो है अपने लाइफ को इंजॉय करो। जो भी इंसान जो है अपने जिस्म अपने ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं वो लोग जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। थैंक यू जाकिर जान, मेहरबानी इब्राहिम जान, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब रखे। अभी हम लोग आप लोगों को एक दूसरे दोस्त से मिलवाते हैं, उसका नाम है हकीम जान। हकीम जान कैसे हो मेरे भाई? अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हो, ठीक ठाक? अल्लाह का फजल है हकीम जान। हकीम जान आज हम लोग आया है घूमने फिरने के लिए, तफरी के लिए आया हुआ है, कैसा लगा ये तफरी? तुमको अच्छा लगा नहीं लगा? कैसा इंजॉय हुआ नहीं हुआ? बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। मौसम आशिकाना था नहीं था? बिल्कुल आशिकाना है। अच्छा। और बादल भी छाया हुआ है, हल्का सा बारिश भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर्द हवा भी चल रहा है थोड़ा सा। और दूसरे दोस्तों के लिए क्या पैगाम है? मेरा पैगाम यही दोस्तों के लिए यही है कि भाई जब भी आप लोगों का मन चाहे इस तरफ निकले, आप लोग सैर व तफरी के लिए ज्यारत की तरफ। बहुत अच्छे लोग हैं इधर, इधर इन लोगों का लोग बहुत अच्छे लोग हैं इधर के लोग, तो इधर के लोग तो बहुत अच्छे हैं इखलाक में भी माशाल्लाह। और चेरी बहुत महंगा देते हैं। चेरी का तो नहीं, सही रेट पे देते हैं ये लोग। कितना दिया है आज आपको? यार तकरीबन एक डब्बे 170 का। महंगा नहीं है? नहीं 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 नहीं, क्वेटा के नस्बत ये बहुत ही ज़बरदस्त रेट है यहाँ पर। फ्रेश भी है और ताज़ा भी है, ताज़ा बागा से निकलते हैं ये। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अच्छा, मेहरबानी हकीम जान, खुश रहो, अल्लाह आपको कामयाब रखे। आप लोगों को मोहम्मद आरिफ से मिलवाते हैं, आप लोगों का मशहूर मारूफ दोस्त है, आप लोगों के लोगों से इसके साथ विजिट करवाते हैं कि आप लोगों के साथ कोई बात करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुक्र। आरिफ भाई आप आज जो है कितना मजा दे दिया। ये आप लोगों का दोस्त था आरिफ हुसैन, ये जो है आप लोगों का दोस्त था। अभी आप लोगों को जो है अपने चाचा के साथ विजिट करवाते हैं। चाचा के साथ ये चाचा है, इसका नाम
आरिफ साहब से बात करो, आरिफ साहब आज खत्म हो यार। जबरदस्त वंडरफुल, बहुत मजे दिए हम लोगों को, वाला इतना सफर किया हम लोग घूमने फिरने का, यही पहली दफा है हम लोगों का सफर, बहुत अच्छा। कोयचे में, ये बलूचिस्तान के एरिया में, कोयचे में नहीं, हम लोग बलूचिस्तान के एरिया में बोलते हैं। हम लोग गए बाहर भी किए, इस्लामाबाद के, गिलगित गए, नारायण खागान गए, बाबूसर ठाप गए, देवसाई गए, स्कर्दू गए, स्कर्दू से वापसी इस्लामाबाद तक गए, हम लोग घूमे। मगर बलूचिस्तान के अंदर हम लोगों को इतना मज़े इस दफ़ा दिए, ओला कभी भी नहीं दिए हम लोग। आज पहली बार, आज पहली बार, मौसम भी सही है, यार दोस्त भी इखलाक में सही है, और ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम, आशखाना था, मौसम भी आशखाना था। अभी हम लोग सुबह नाश्ता खाली एक गंडक किया था, एक दोस्त है हमारे साथ थोड़ा नाराज था, यार बोलते चाचा तुम हम लोगों को अभी खाना नहीं खिलाया। हम लोग खाना लिए, भिंडी भिंडी लिए, सब्जी, उसको मौका नहीं मिला है हम लोग पकाने के लिए। अभी बारिश भी था उधर हम लोगों चकोरथंगी में, अभी इधर सिंजावी में इंशाल्लाह आ गया, देख रहे होटल में कोई खाना मिलेगा या नहीं, हम लोग खुद पकावे, बस यही कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है ये सिंजावी की तरफ, जितने टूरिस्ट है, जितना ये भाई लोग है घूमने घूमने फिरने के लिए आते हैं, ये सही जगह है, बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है। वस्सलाम, टूरिस्ट इसका मतलब यही है, टूरिस्ट इनको थोड़ा मसला हुआ तो इसकी वजह से हम लोग जो है आप लोगों को अपने नया दोस्त से विजिट करवाते हैं, मुसा जान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, सब भाई लोग, हम लोग आज इंशाल्लाह चक्कर के लिए निकले हैं, आप आपके दुआओं से कोयटे से आया था ज्यारत के लिए, ज्यारत से आया था वो चकोरथंगी में, उधर खाने का बंदोबस्त किया, उधर बरसात भी हो रहा था, फिर उधर से प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया बारिश की वजह से। हम लोग अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह जरंग के एरिए में, ये सिंजावी से थोड़ा सा पहले रास्ता है उसका, सिंजावी थोड़ा आगे, ये जरंग थोड़ा पीछे है। इधर जा रहे हैं तफरी के लिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छा नज़्म ज़ब्त था, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अगर मौका मिला तो इधर घूमने के लिए आ जाना, बहुत अच्छी जगह है इंशाल्लाह, सफर दिखाएंगे भी, हाँ आगे जाके दिखाएंगे सबको कि कैसा जगह है, बहुत इंशाल्लाह। अभी फ्रूट का टाइम भी है, सब चीज़ इधर ही मिलते हैं रास्ते से, कुछ हाँ सेब और चेरी का, सेब तो अभी तक पका नहीं है, चेरी और जरदालू बहुत है, हाँ खुबानी। इंशाल्लाह आप शाद और खुशहाल रहे, ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक करे, इंशाल्लाह आगे आगे जो भी प्रोग्राम बरनामा हो गया तो आपको आगाह कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी मुसा भाई, मेहरबानी, खुश रहो मुसा भाई। शुक्र अल्लाह खैर। अरिफ जान किधर से आए तुम? कोयचे से। किधर गया था? ज़ियारत। ज़ियारत के बाद किधर गया था? ज़ियारत के बाद चकोरथंगी। अच्छा सही है सही है, हम लोगों को मालूम है थोड़ा हमारा उर्दू कमजोर है, परवाह नहीं है, तुम्हारा साथ हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ उसको सही करेंगे। अच्छा इसके बाद किधर जाएगा? सिंजावी की तरफ जा रहे हैं जी, उधर एक जरंग आएगा, जरंग लोग तैरने के लिए जा रहे हैं उधर, उधर तालाब है, वो डैम है, उधर जरंग की तरफ पिकनिक पॉइंट है, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। सही उसके बाद किधर जाएंगे? उसके बाद सिंजावी। सिंजावी के बाद इंशाल्लाह किधर जाए? सिंजावी के बाद जाएंगे यार, चेकदार भाई, जान,
Zargun abi destekli festat mı kadı lale? Bazımın tok kadı. Çaça bay abi ilk ya puça bay ye tu doktor ban gaye. Hani kider se bane hue? Kider se doktor ban gaye tu? Vana malum tar çiz de video ki. Jo ye doktor tha abi jo ye izar ka doktor ban gaye idar. Maam jo khatir mukum bugi. ना गड़बड़ नहीं बोलो सही सही बोलो सही सही बोलो आज क्या तारीख है तारीख तो हमारा पता नहीं 29 जून 2024 महीने छह इससे पहले ठंडा ज्यादा आया हुए जी आया हुआ है कितना बार एक बार दो बार कौन सा साल पे 2022 कितना साल हुआ है अभी एक साल खाना खराब है किस तरह एक साल होता है ये तुम्हारे हिसाब में किस तरह एक साल होता है वो तो इसको सीजर लगाया है इंजेक्शन लगाया है इंजेक्शन लगाना है इसके कौन सा इंजेक्शन लगाना है इसका तो थोड़ा सा इसका पेट खराब है भाई पेट का खराब है ना पेट पेट का खराब है तू किस तरह डॉक्टर है पेट का तुम अरे अच्छा नहीं है एक सीजर लगाना है तुम्हारा यार तुम्हारा नाम डॉक्टर है नाम डॉक्टर नहीं है मैं डॉक्टर हूं शौक है हमारा ये आपने किधर से शौक ढूंढ कर निकला हुआ है कि भाई ये आपने ये पहना हुआ है पहनता था फिर इसका शौक आ गया फिर इसने भी ऐसा ब्रेसलेट अपने लिए बनवाया फिर ये पहना हुआ है अच्छा जी आप सलमान खान का फैन हो नहीं खुद में सलमान खान हूँ अच्छा एक और सवाल प्यारा सा सवाल अच्छा सा सवाल बात सुनो भाई बात सुनो तुम डॉक्टर है तुम किस तरह डॉक्टर है उर्दू नहीं बोल सकते है बोल सकते है क्यों नहीं थोड़ा सा दिलेर से बोलो ना अभी हम लोगों को भी उर्दू साफ नहीं है अभी इसको कौन सा इंजेक्शन लगाए आपने उस इंजेक्शन का नाम बता दो नाम इंजेक्शन तुम पता नहीं डॉक्टर का पता है तुम खाना खराब किस तरह डॉक्टर है तुमको इंजेक्शन का नाम भी पता नहीं है सही बात तो करो और नाम बोलो ना नाम बोला कौन सा इंजेक्शन लगाया किस तरह पता होगा हमको किस तरह पता होगा हम लोगों को क्या मालूम बेटा कौन से डॉक्टर कैसे डॉक्टर बन गए वो नमाले दिन में घूम अच्छा हाँ तुम पढ़ा लिखा नहीं हो कैसे डॉक्टर बन गए तुम मैं पढ़ा लिखा हूँ डॉक्टर हो भाई इसके पता नहीं होगा कि उसका इंजेक्शन नहीं वो इंजेक्शन का हमको बोलो ना कि इसका इसका नाम यही है कौन सा नाम है इंजेक्शन का इतना मालूम है मामू रण मित्र की बात सुनो बात करो ना सही है अच्छा एक बात और ये तुम ये चश्मा क्यों लगाते हैं हमारा शौक है ना किस तरह शौक है तुम्हारा जो बंदे जिसका आंखें खराब है वो चश्मा लगा नहीं नहीं आंखें हमारे सही है हां क्यों क्यों आंखें तुम्हारे सही है क्यों लगाते हैं भाई अभी तो रात नहीं हुआ है क्यों लगाते हैं उसको अभी शाम के टाइम में क्यों लगाते हैं उसको शाम के टाइम भी लगाना है वो तो डर गए वो दिन के लिए होता है हमारा जब धूप निकलता है उसको लोग लगाते हैं अभी तुम किस तरह खाना खराब डॉक्टर है तुमको पता ही नहीं है इन्हें किस टाइम लगाते हैं जान तो जोर के दुनिया अच्छी में नहीं हमारे जान को जोड़ो ना तुम किस तरह हमारे जान को जोड़ अगर जान जोर नाम से दिल्ली तो प्रसाद नाम का ना बस लास्ट लास्ट सवाल दो सवाल आप कर दो सवाल सवाल से ऊपर नहीं करेंगे ये जुबान है तुम्हारा हम बंद करेंगे नहीं नहीं अच्छा अरे भाई तू कोचे में क्या काम करते हो काम नहीं कर रहे क्या कर रहे तो डॉक्टर डॉक्टर तो काम करेंगे डॉक्टर काम नहीं करता है नहीं क्या करता है डॉक्टर तो बात तो सुनो ना तुम जवाब तो दियो तुम किस तरह डॉक्टर काम नहीं करते डॉक्टर ही कर रहे हैं वो काम नहीं है काम तो एक दिन काम करते हैं सारा दिन आसाम आराम काम काम आराम करेंगे दोस्तों सिंजावी शहर में पहुंच गए तो अभी मस्जिद व इमाम बारगाह पे जाके वहाँ पे स्टे कर लेते तो आप हमारे साथ रहिए सिंजावी इमाम बारगाह दोस्तों ये हजारा इमाम बारगाह सिंजावी डबल स्टोरी तो यहाँ पर मेहराब बना हुआ है इमाम जमात के लिए जाते नमाज पढ़ते हैं अंदर का व्यू भी आपसे दिखाता हूँ
ये रहा दोस्तों इमामबाड़ा का, इमामबाड़ा और मस्जिद का सहन। माशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर इमामबाड़ा के बारे में जो रजिस्टर नंबर है और जो इसमें तामीरात का काम किया हुआ है, नाम है मस्जिद, मस्जिद आले रसूल इमामबाड़ा हुसैनी, रजिस्टर नंबर 1355, तारीख रजिस्ट्रेशन 6/3/2010। तो तारीख क़याम इस मस्जिद या इमामबाड़ा की क्या है तो पूछते हैं और फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। मेरे सामने हकीम भाई जा रहे जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कदीम हज़ारा इमामबाड़ा और मस्जिद जो बहुत अरसा पहले यहाँ पे जो हज़ारा बिरादरी आबाद थे तो उन्होंने ये मस्जिद व इमामबाड़ा तामीर किए थे। तो आज भी जब भी हज़ारा बिरादरी आते हैं तो यहीं पे स्टे करते हैं। तो आपको विज़िट कराते हैं इंशाल्लाह। ये रहा मस्जिद व इमामबाड़ा। दोस्तों आपको ऊपर वाली मंजिल भी जाके दिखाता हूँ। आपको दिखाता हूँ ये ऊपर यहाँ पे UPS भी लगे हुए। तो यहाँ पर जिस भाई के कपड़े जो नहाने के दौरान नहीं सूख चुके थे तो अभी सुखाने के लिए इसे रस्सियों पे डाल रहे। कैसा सजाद भाई? सजाद साजिद साजिद अली साजिद इसको इतने तनों पे लगा रहे कि ये सूख जाए। सूख जाए और गिला है, सारा गिला है ना? सारा गिला है और बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें चकोर ना जो चकोर 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 तंगी कऊक तंगी। दोस्तों रात के खाने की तैयारियां शुरू है तो यहाँ पर लड़के सारे मसरूफ है। आपको दिखाता चलो यहाँ पर बिजली कटी है। आपको दिखाता चलो दोस्तों जिस बंदे ने कारीगरी की हुई है माशाल्लाह उन जातों को सलाम। देखो कैसा बेहतरीन चूल्हा बनाया हुआ है देसी अंदाज में, देसी अंदाज में जैसे यहाँ और गाँव में चूल्हा बनाते हैं। वहाँ पर रोटी पकाने के लिए, यहाँ पर चाय बनाने के लिए, यहाँ पर खाना पकाने के लिए और ये और लाइट नहीं है उस वजह से रोशनी ना होने की वजह से थोड़ा सा अंधेरा है। और आज का हमारा कुक जाकिर हुसैन साजिद अली और मोहम्मद आरिफ मैसम अब्बास ये चारों मसाला लगे हुए काम पे। अच्छा ये बना दफ्ते तो मैं खाली मुझे चाहिए दफ्तर लोगों से खंडा बन जाना है।